Today we will discuss about cranial nerves of labio. Cranial nerves are those which are originated from brain. ठीक है, brain से originate होने वाली nerves को क्या बोलते हैं हम? Cranial nerves. और labio के केस में 10 pair. There is 10 pairs of cranial nerve. Labio के केस में 10 pair हैं cranial nerve के, ठीक है? और उसको आप कैसे याद रख सकते हैं? देखो, O O triple O, triple O लिख के P T A, फैगब, ठीक है? O O O P T A F A G V, ऑप्टा फैगब, ऑप्टा फैगब. तो इसको रोमन में लिखते हैं. देखो, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन. टेन पेयर्स के नाम देखो. अब जिसमें फर्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी. सेकंड हो गया ऑप्टिक, ऑप्टिक. थर्ड ओकुलोमोटर, ओकुलोमोटर. थर्ड ओकुलोमोटर. फोर्थ पैथेटिक, पैथेटिक. फिफ्थ ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल. जो पांचवी, उसका नाम क्या है? ट्राइजेमिनल. सिक्स्थ एब्ड्यूशन, एब्ड्यूशन. सेवेंथ फेशियल, फेशियल. एट ऑडिटरी, ऑडिटरी. ठीक है, और नाइन्थ ग्लोसोफ्रेंजियल, ग्लोसोफ्रेंजियल. और टेंथ बेगस. तो ये 10 पेयर है क्रेनियल नर्व के. और एक एडिशनल नर्व है जिसको हम बोलते हैं जीरो और टर्मिनल, जीरो और टर्मिनल. ठीक है, इसकी, इसको अलग से रखा है, जीरो और टर्मिनल. तो इस तरह, तो ये मेन 10 पेयर हैं, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. अब इसमें ऑफ जो फर्स्ट, अब मैं आपको याद करने के लिए इसको दूसरे नंबर में लिख रहा हूं. वैसे इनको रोमन में लिखते हैं. अब देखो, जो फर्स्ट है और सेकंड है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और एट. ठीक है, एट कौन सी है? ऑडिटरी. एट ऑडिटरी है. ये तीनों ही सेंसरी नर्व है, सेंसरी, सेंसरी नर्व जो इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ कैरी करती है, तो उनको बोलते हैं सेंसरी. तो 10 में से जो फर्स्ट, सेकंड और एट्थ, ठीक है, यानी कि 1, 2, 8 से आप इसको याद रख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और एट्थ जो क्रेनियल नर्व है वो किस नेचर की है? सेंसरी नेचर की. इसमें जो फिफ्थ है ट्राइजेमिनल, मैंने टिक कर दिया, ट्राइजेमिनल. फेशियल, ग्लोसोफ्रेंजियल और बेगस, यानी कि फिफ्थ, सेवन और नाइन्थ और टेंथ. 5, 7, 9, 10 से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूला से. ये मिक्स्ड नर्व है, मिक्स्ड. इनमें दो तरह के फाइबर होते हैं, सेंसरी एंड मोटर. ठीक है, सेंसरी तो वो है जो इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ कैरी कर रहे हैं, जो इंपल्सिस को सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ कैरी करते हैं. और दूसरे है मोटर फाइबर.
जो इम्पल्सिस को ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, इफेक्टर ऑर्गन मसल्स और ग्लैंड्स, या मसल होंगे या ग्लैंड होंगे, अगर मसल को इन्फॉर्मेशन जाएगी तो मूवमेंट होएगी, और ग्लैंड को जाएगी तो सेक्रीशन होएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड नेचर की कौन सी है, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ और टेंथ, यानी कि ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसोफेंजियल और वेगस। लेकिन बाकी कौन सी बच गई, अब तीन बच गई, एक तो थर्ड, फोर्थ और सिक्स, यानी कि 346 है ना, 3, 4, 6 से आप याद रख सकते हैं। ये मोटर नर्व्स है, मोटर, तो मैंने जैसे पहले बताया कि मोटर का काम क्या है, जो इम्पल्सिस को ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ कैरी करती हैं, ठीक है। तो जिसमें थर्ड, फोर्थ और सिक्स, इसकी जो फाइबर्स हैं, मोटर फाइबर्स, ठीक है, वो आई मसल को, आई में 6-7 टाइप के मसल्स हैं, उनको सप्लाई करने वाली नर्व्स है ये, ठीक है। थर्ड ओकुलो मोटर, फोर्थ पैथेटिक एंड सिक्स एब्ड्यूशन, ठीक है, एब्ड्यूशन। तो अब इनको हम देखेंगे, लेट्स सी फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, इनको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर कहाँ से ये ओरिजिनेट कर रही है, इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ये सबने बना लिया, ये ड्रॉ कर लिया बेटे आपने, नोट कर लिया, ओके, रब कर दो इसको, ओके। तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। अब आपकी बुक में जो डायग्राम दी है क्रेनियल नर्व वाली, वो स्कोलियोडोन की दी है, ठीक है। स्कोलियोडोन जो कि कार्टिलेजनस फिश है, और लेबियो जो कि बोनी फिश है, क्रेनियल नर्व का प्लान सेम है दोनों में। तो जो काट उसमें स्कोलियोडोन की डायग्राम है वो ही लेबियो में ड्रॉ कर दी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। एक तो माउथ जो है वो सब टर्मिनल, जबकि स्कोलियोडोन में जो है माउथ वेंट्रल पोजिशन पे होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सब टर्मिनल बना देंगे, और वहाँ पे जो गिल के 5 पेयर है जबकि लेबियो में 4 पेयर है, तो एक गिल उसमें काम कर देंगे, ठीक है। तो जो डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा वही आपने ड्रॉ करनी है पेपर में भी और प्रैक्टिकल फाइल में भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये स्नाउट आ गया, और फिर उसके बाद ये माउथ, ठीक है। तो सब टर्मिनल माउथ, माउथ की ऊपर एक आपको छोटा सा स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ठीक है, स्नाउट। तो माउथ जो है वो बिल्कुल वेंट्रल, अगर स्कोलियोडोन के केस में देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ जैसे है वेंट्रल पोजीशन में, लेकिन यहाँ पे ये सब टर्मिनल माउथ प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन और ब्रेन का पोर्शन दिखाएंगे, साथ साथ ड्रॉ करते जाइए। आप ये नेजल सैक है, तो इस डायग्राम में आपको ज्यादातर जो फिफ्थ और सेवंथ की जो मेन ब्रांचेज हैं वो दिखाई देंगी ज़्यादातर इसमें आपको, कुछ हो सकता है कुछ नर्व्स आपको नहीं दिखेंगे इसमें। तो मेन जो है वो फिफ्थ और सेवंथ, नाइन्थ और टेंथ की ब्रांचेज सबसे ज़्यादा है मेनली नज़र आएंगे इस व्यू में आपको, ठीक है। तो जो फिफ्थ जो है यहाँ से बिल्कुल
मेडुला ओब्लोंगेटा का वाला जो पोर्शन है मेडुला ओब्लोंगेटा के बेस से अराइज करेंगी और फिर ब्रेन के नीचे से ये स्नाउट की तरफ रन करेगी, फिफ्थ ब्रांच जो फिफ्थ ठीक है क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल, तो जो स्नाउट को जा रही है उसमें एक फिफ्थ की ब्रांच है और सेवंथ की ब्रांच है, फिफ्थ और सेवंथ की मिलके जो है वो स्नाउट को ठीक है जा रही है, तो वहाँ पे इकट्ठी जा रही है वो, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो फिफ्थ का है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो सेवंथ का है, ठीक है। तो आप मेरे साथ ड्रॉ करो, जो फिफ्थ की ब्रांचेज हैं उसको सिंपल दिखाया है, लेकिन जो सेवन की ब्रांचेज है उसमें मैं स्ट्राइएशन कर दूंगा, ठीक है, और बाद में इनकी नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग से आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी ये, ठीक है। बुक में नहीं नंबरिंग की है, लेकिन मैं साथ साथ आपको नंबरिंग करके उसकी ब्रांचिंग का पता लग जाएगा आपको। तो ये उसके बाद इसी तरह सेवन्थ जो क्रेनियल नर्व है फेशियल उसकी ब्रांच जो है वो भी स्नाउट को जा रही है, ठीक है। तो यहां पे बिल्कुल एक दूसरे के साथ जॉइंट फॉर्म में जा रही है और आगे जाके डायलेट कर गई है, ठीक है, इसकी जो फाइनल ब्रांचेज है वो डायलेट कर गई, तो ये इकट्ठे मिलके जा रही है ये फिफ्थ और सेवंथ की ब्रांचेस, ठीक है। जो ऊपर वाली है उसको लिख लो रैमस ऑप्थैल्मिकस, रैमस ऑप्थैल्मिकस, रैमस ऑप्थैल्मिकस, ठीक है, सुपरफिशियलिस, सुपरफिशियलिस ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल तो पांचवी नर्व की ये ब्रांच है, इसको आप लिख लो फिफ्थ फर्स्ट ए, यानी कि पांचवी की फर्स्ट की फर्स्ट ब्रांच, ठीक है, फिफ्थ की पांचवी जिसको हम ट्राइजेमिनल बोलते हैं उसकी फर्स्ट जो नर्व है उसकी पहली ब्रांच है ये, ठीक है। बिल्कुल नेजल सैक के ऊपर से, अब जो ये नीचे सेवंथ की बनाई है इसको मैंने स्ट्राइएटेड कर दिया ताकि आपको इजीली डिफरेंशिएट हो जाए, तो जो अनस्ट्राइएटेड एरिया ऊपर वाला नॉन स्ट्राइएटेड एरिया वो फिफ्थ को रिप्रेजेंट कर रही है और जिसमें मैंने स्ट्राइएशन कर दी वो सेवंथ की ब्रांच को शो कर रहा है, ठीक है। तो अनस्ट्राइएटेड ऊपर वाला जो पोर्शन है वो फिफ्थ का है, फिफ्थ की ब्रांच है और नीचे वाली सेवंथ की ब्रांच है, ठीक है। और फिफ्थ की जो ये वाली ब्रांच आ गई, ठीक है, जो नेजल सैक के ऊपर से जा रही है, ये नेजल सैक है, इसको बोलेंगे रैमस, रैमस ऑप्थैल्मिकस प्रोफंडस, प्रोफंडस, प्रोफंडस ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल, ठीक है। तो किसको सप्लाई कर रही है, क्रेनियम पार्ट को, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में क्रेनियम लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हेड रीजन के क्रेनियम पार्ट को सप्लाई कर रही है,
ये ट्राइजेमिनल की फर्स्ट की सेकंड ब्रांच है, तो इसमें रैमस वर्ड लिखा है ना दोनों के साथ, ये फर्स्ट नर्व है फिफ्थ की, ठीक है, जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल उसकी फर्स्ट ब्रांच है, और फर्स्ट ब्रांच में भी आगे दो ब्रांचेज हैं ए एंड बी, तो इसको लिख लो फिफ्थ फर्स्ट बी, ताकि इजीली आपको ब्रांचिंग का पता चल जाए। यहां तक पता चल गया बेटे? तो फिफ्थ की देखो एक ऊपर आ गई ब्रांच रैमस ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, पांचवी का नाम ट्राइजेमिनल है, वो स्नाउट को जा रही है, यहां स्नाउट लिख सकते हैं आप याद रखने के लिए, तो स्नाउट को जा रही है, और उसकी जो सेकंड ब्रांच है फिफ्थ की फर्स्ट की जो सेकंड ब्रांच है जिसको हमने नंबरिंग कर दिया फिफ्थ फर्स्ट बी, ठीक है, तो उसको बन गए रेमस ऑप्थेल्मिकस प्रोफंडस ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, और वो किसको सप्लाई कर रही है क्रेनियम को। यहां तक पता चल गया बेटे? ओके ठीक है। अब जो दूसरी देखो ये स्नाउट को जो सेकंड ब्रांच नीचे जो ट्राइजेमिनल के निचली निचले पोर्शन पे आपको नजर आ रही है, ये सेवंथ क्रेनियल नर्व जो कि फेशियल है उसकी ब्रांच है ये, तो इसको आप लिख लो ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस, ऑप्थेल्मिकस ऑप्थेल्मिकस सुपर सुपरफिशियलिस ऑफ फेशियल, तो जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है उसकी ये ब्रांच है स्नाउट को जा रही है बिल्कुल साथ साथ मिलके पांचवी के साथ रेमस ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस ऑफ ट्राइजेमिनल उसके साथ साथ मिलके जा रही है, तो इसको अगर नंबरिंग करनी है हमने तो हम बोलेंगे सेवन फर्स्ट, तो सेवंथ की ये फर्स्ट ब्रांच है, लेकिन जो फिफ्थ थी ट्राइजेमिनल उसमें फर्स्ट में भी आगे दो ब्रांचेस थी, एक रेमस ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस और दूसरा रेमस ऑप्थेल्मिकस प्रोफंडस जो क्रेनियम को सप्लाई कर रही है, ठीक है, यहां तक बना लिए बेटे? ओके। आपको यहां पे दो छोटी नर्व्स भी नजर आएंगी, एक तो आई, ठीक है, ये यहां पे जो आई के लिए स्पेस है, ठीक है, ऑर्बिट उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, तो वहां पे ऑर्बिट वाले पोर्शन से जहां पे आई प्रेजेंट है वहां से भी ऑप्टिक नर्व, तो ये जो छोटी सी ब्रांच नजर आ रही है इसको बोलेंगे सेकेंड नर्व, और सेकेंड नर्व कौन सी है ऑप्टिक, तो इसको मैंने नाम लिख दिया, सेकेंड का क्या बोलते हैं ये मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है ना, अगर लिखना है तो लिख लो साथ में ऑप्टिक, तो ये सेकेंड ऑप्टिक जो आई के लिए, ठीक है, इनकी जो आई से इम्पल्सिस ब्रेन की तरफ लेके आती है, तो यहाँ पे ये नजर आ रही है, ठीक है, और इसी के साथ एक छोटी सी नर्व और इस व्यू में नजर आएगी आपको, उसका ओरिजिन भी बिल्कुल ऑप्टिक आई के आसपास ही है, नर्व के आगे जो मैंने ड्रॉ की छोटी नर्व, ठीक है, इसको बोलेंगे ये फोर्थ नर्व है पैथेटिक, अब देखो फोर्थ पैथेटिक जो है वो आई मसल को सप्लाई करती है, इसलिए उसका जो ओरिजिन है वो भी ऑप्टिक के आसपास ही है जहां पे ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व के थोड़ा सा पीछे आपको एक नर्व और नजर आएगी, तो आपको ऑप्टिक नर्व के पीछे जो नर्व नजर आ रही है ये वाली, इसको हम बोलेंगे ओकुलोमोटर, ये थर्ड नर्व है, थर्ड
ओकुलोमोटर, तो ये भी आई मसल को सप्लाई करने वाली है ओकुलोमोटर। देखो इसका ओरिजिन साथ साथ में ही है, ठीक है, पैथेटिक और ओकुलोमोटर इकट्ठी है, ठीक है, यहीं पे ही एक सिक्स्थ नर्व भी अराइज कर गई। एब्ड्यूशन जो इस डायग्राम में उसका ओरिजिन नहीं दिखाया है, लेकिन जो सिक्स्थ नर्व है एब्ड्यूशन, वो भी आई मसल को सप्लाई करती है, ठीक है, इस तरह से। तो तीनों ये, ठीक है, थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ, ये आई मसल को सप्लाई करने वाली, ठीक है, नर्व्स हैं। और ये कैसी नर्व है, मोटर नर्व है। और देखो फोर्थ और थर्ड के इन बिटवीन जो नर्व नजर आ रही है, सेकंड नर्व, वो ऑप्टिक नर्व है जो सेंसरी नेचर की है, जो इंपल्सिस को आई से ब्रेन की तरफ कैरी करने वाली, ठीक है। तो इतना पता चल गया बेटे। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है, देखो सेवंथ की जो सेकंड ब्रांच है, सेवंथ की जो सेकंड ब्रांच है, तो इसमें मैंने स्ट्राइएशन कर दी ताकि आपको डिफरेंशिएशन हो जाए। ठीक है, तो ये सेवेंथ की सेकंड ब्रांच है, बकेलिस, 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 इसको आप सेवेंथ सेकंड, तो सेवेंथ की सेकंड ब्रांच है बकेलिस, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच जो है यहाँ पे ड्रॉ की है आपने, ऑप्थेल्मिक सुपरफिशियलिस ऑफ फेशियल, और ये है बकेलिस ऑफ फेशियल। फेशियल जो सेवंथ नर्व है उसकी सेकंड ब्रांच का नाम है बकेलिस, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ की ब्रांचेज आ गई, और फिफ्थ में मैंने बताया था कि मैं स्ट्राइएशन की शो की है, तो उसमें देखो तीन ब्रांचेज है। जो फर्स्ट ब्रांच है उसका ओरिजिन अलग से है, लेकिन जो अदर दो ब्रांचेज हैं वो यहां से तो कॉमन है, लेकिन आगे जाके उसकी दो ब्रांचेज होगी। ठीक है, तो तीन ब्रांचेज है, देखो वन टू थ्री, लेकिन जो सेकंड और थर्ड है उनका ओरिजिन एक ही है, ठीक है। ये और ये दोनों अपर जा को सप्लाई करती है, तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं, ये दोनों सेम ही है, अपर जा को सप्लाई करने वाली है। यहां से आप ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने नाम इसका, इसको बोलेंगे मैक्सिलरी ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेंडर, मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल फिफ्थ नर्व है और उसकी ये सेकंड ब्रांच है, तो फिफ्थ और ऊपर लिख लो सेकंड, ठीक है। तो फिफ्थ नर्व की सेकंड, फिफ्थ नर्व की फर्स्ट तो ये थी देखो, और उसकी भी आगे दो ब्रांचेज थी, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, तो नंबरिंग से आपको और इजीली पता चल जाएगा। साथ में मैंने डायग्राम में भी स्ट्राइएशन से भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, और साथ में नंबरिंग भी कर दी, ठीक है। तो मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, ये अपर जा, ठीक है, अपर जा को सप्लाई करने वाली, तो आप लिख सकते हैं स्किन ऑफ अपर जा, यहां लिख सकते हैं याद करने के लिए स्किन ऑफ अपर जा, अपर लिप, अपर लिप, आईलिड, अपर आईलिड और टीथ ऑफ अपर जा, टीथ। तो इन पार्ट्स को सप्लाई करने वाली जो नर्व्स हैं
वो मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। तो ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी सेकंड ब्रांच है, और जो आपको लोअर जा की तरफ नजर आ रही है यहाँ पे ये वाली ब्रांच, इसको बोलेंगे मैंडिबुलर, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। तो यहाँ लिख लो मैंडिबुलर, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। तो इसके साथ नंबरिंग में लिख लो फिफ्थ और साथ में लिख लो थर्ड। तो पांचवी जो क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल, उसकी थर्ड नर्व है ये, ठीक है, थर्ड नर्व है, इसको बोलेंगे मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, लोअर जा और स्किन और मसल, लोअर जा को सप्लाई करने वाली, यहां लिख सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। यहां पे आप साथ में लिख लो लोअर जा, स्किन, मसल, ठीक है। उसके बाद सेवन की जो ब्रांचेज हैं वो यहां से बिल्कुल फिफ्थ की जो सेकंड और थर्ड ब्रांच है उसकी साइड से ही ओरिजिनेट कर रही है, तो इसमें भी देख सकते हैं आप, इसमें भी आगे तीन ब्रांचेज हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, लेकिन फिफ्थ से डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें भी मैंने स्ट्राइएशन शो कर दी, ठीक है। तो ये आगे जो है सेवेंथ की ब्रांचेज आ गई, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली ब्रांच है ये वाली, ये मैंडिबुलर ब्रांच, ठीक है, मैंडिबुलर, मैंडिबुलर, ये भी लोअर जा की तरफ ही जा रही है, ठीक है। एक तो फिफ्थ की ब्रांच थी, अब ये सेवन्थ की ब्रांच जो लोअर जा को जा रही है उसका नाम भी मैंडिबुलर है, लेकिन मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल, फेशियल। तो इसको अगर नंबरिंग करनी है आपने तो सेवन्थ थर्ड ए, यानी कि ए भी है, देखो जो सेवन्थ की सेकंड ब्रांच ये थी, सेवन्थ की जो फर्स्ट ब्रांच है उसका नाम था ऑप्थैल्मिका सुपरफेशियलिस ऑफ फेशियल, ठीक है। अब सेवन्थ की जो थर्ड ब्रांच है मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल, लेकिन इसकी आगे दो ब्रांच है थर्ड की, इसलिए फर्स्ट ब्रांच को ए लिख दिया और सेकंड ब्रांच को बी। तो जो बी ब्रांच है उसका नाम है, जो बी ब्रांच है उसको बोलेंगे मैंडिबुलेरिस इंटरनस, मैंडिबुलेरिस इंटरनस, इंटरनस यानी कि लोअर जा की जो अंदर वाली साइड को सप्लाई करेगी। तो इंटरनस और मैंडिबुलेरिस से डिफरेंशिएट कर दिया, इसको साथ में लिख लो सेवन्थ थर्ड बी फेशियल, सेवन्थ जो फेशियल नर्व है उसकी जो थर्ड ब्रांच है उसकी दो ब्रांचेज आ गई आगे, ए एंड बी, ए को बोला मैंडिबुलर और बी को बोला मैंडिबुलेरिस, मैंडिबुलेरिस। तो यहां तक ड्रॉ कर लिया बेटे, यहां तक ड्रॉ कर लिया बेटे सभी ने, ओके। उसके बाद
इसके बिल्कुल पिछले पोर्शन पे मैंडिबुलर ओब्लोंगेटा की जो पोर्शन है वहीं से ही एक और नर्व अराइज कर रही है, इसको बोलेंगे एट्थ। तो एट्थ नर्व जो है उडिट्री नर्व, मैंने नंबर लिख दिया और मैंने शुरू में बताया था आपको रोमन में कि रोमन में आठ का मतलब क्या है, उडिट्री नर्व। अगर लिखना है तो यहां लिख लो शॉर्ट छोटे, ठीक है, उडिट्री यहां लिख लो उडिट्री, उडिट्री। तो ये एट्थ नर्व है जो सेंसरी नेचर की है, ठीक है, और ये इंटरनल ईयर से इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन की तरफ लेके जा रही है, सेंसरी सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ। तो क्योंकि लेबियो में इंटरनल ईयर ही प्रेजेंट है और उसका नाम है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ से इंपल्सिस को कैरी कर रही है किस तरफ, ब्रेन की तरफ। ये ऑडिटरी। उसके बाद इसकी साइड में आपको नाइन्थ नर्व नजर आएगी, और नाइन्थ नर्व जो है उसकी आगे दो ब्रांचेज हैं। एक जो है वो फर्स्ट गिल की फ्रंट साइड को, ये गिल है फर्स्ट गिल, यहां पे सेकंड गिल ड्रॉ कर लो, यहां पे थर्ड गिल ड्रॉ कर लो, और ये फोर्थ आ गया। इसको सेकंड लिख लो, इसको थर्ड लिख लो, इसको फोर्थ। तो फर्स्ट गिल को जो है वो नाइन्थ नर्व सप्लाई करी, नाइन्थ नर्व भी जो है वो मिक्स्ड नेचर की नर्व है, नाम है ग्लोसोफ्रेंजियल, ग्लोसोफ्रेंजियल। तो यहां पे लिख लो ग्लोसोफ्रेंजियल विच इज ए मिक्स टाइप ऑफ नर्व हैविंग सेंसरी एज वेल एज मोटर फाइबर्स, दोनों तरह के फाइबर्स हैं, ठीक है, और उसकी दो ब्रांचेज है, जो गिल की फ्रंट साइड की तरफ है उसको बोलेंगे प्री ट्रीमैटिक, प्री ट्रीमैटिक, प्री ट्रीमैटिक, यानी कि नाइन्थ की ए ब्रांच, और जो गिल की पोस्टीरियर साइड की तरफ है उसको बोलेंगे पोस्ट ट्रीमैटिक, पोस्ट ट्रीमैटिक, ठीक है। तो नाइन्थ की ये बी ब्रांच होगी। तो यहां तक नोट कर लिया बेटे आपने, तो देखो जो माउथ की तरफ साइड है वो फ्रंट साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, जो आगे फ्रंट साइड पे जो ब्रांच है उसको प्री ट्रीमैटिक बोलेंगे और इसको पोस्ट ट्रीमैटिक। यहां तक ड्रॉ कर लिए बेटे। उसके बाद जो है वो टेंथ नर्व जो है वेगस नर्व, तो वेगस नर्व की तीन ब्रांचेज देखो, इसमें भी आप ऐसे प्री और पोस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वेगस की जो फर्स्ट ब्रांच है उसकी आगे तीन ब्रांचेज है, जो सेकंड गिल को सप्लाई कर रही है, थर्ड गिल, ये थर्ड गिल के लिए आ गई, और ये फोर्थ गिल के लिए आ गई। ठीक है, इन तीनों को ही कलेक्टिवली हम बोलेंगे ब्रांचेस ऑफ बेगस। तो बेगस जो टेंथ नर्व है उसकी ब्रांच है ये, ठीक है। इसको अगर आपने नंबरिंग करनी हो तो आप इसको लिख सकते हैं टेंथ की सेकंड ए, टेंथ की सेकंड ए है ये, ठीक है। जो फर्स्ट है वो लिटरेलिस, यहां से बिल्कुल वो ग्लोसोफ्रेंजिल के साथ से ओरिजिनेट कर रही है, ऐसे वो आप इधर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन रब कर दो, यानी कि जो ब्रिंकियलिस ब्रांचेज है उसके ऊपर से जा रही है लेटर साइड में, ठीक है। तो जहां पे लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, आपने पढ़ा था कि बॉडी की लेटरल साइड पे लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है, तो अगर उस पोर्शन में उनको सप्लाई, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन को सप्लाई करने वाली है, तो लेटरल साइड की अगर स्किन को उठा के देखें तो आपको थोड़े से मसल को हटाओगे तो आपको ये नर्व नजर आ जाती है, काफी इजीली नजर आ जाती है ये नर्व। लेटरेलिस बोलेंगे, लेटरेलिस, लेटरेलिस, लेटरेलिस। तो लेटरेलिस जो है वो सप्लाई करती है किसको, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो इसको आप लिख लो 10th फर्स्ट, ये ओरिजिन वाइज है क्योंकि इसका ओरिजिन पहले हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेटरेलिस फर्स्ट, ठीक है, 9th के बाद है इसका ओरिजिन, इसलिए लेटरेलिस ऑफ वेगस नर्व, इसलिए 10th फर्स्ट, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो 10th की तीन ब्रांचिंग नजर आ रही है जो गिल को सप्लाई कर रही है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ गिल को, उनको बोलेंगे ब्रिंकियलिस ऑफ वेगस, इसलिए उसकी नंबरिंग में क्या लिख दी हमने, 10th सेकेंड ए। और जो 10th सेकेंड भी है विसरेलिस, तो उसके बाद यहां से, ठीक है, ओरिजिनेट करने वाली जो है ये होगी विसरेलिस, तो इसका ओरिजिन बाद में है, इसको हम लिख सकते हैं 10th सेकेंड बी, इसको लिखेंगे विसरेलिस, विसरेलिस ब्रांच ऑफ वेगस, विसरेलिस ब्रांच ऑफ वेगस, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्री विसरल ऑर्गन को सप्लाई करती है लाइक एलिमेंट्री कैनाल एंड हार्ट, तो यहां लिख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड हार्ट, एलिमेंट्री कैनाल और हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नर्व है, ठीक है, उसको बोलेंगे विसरेलिस। तो ये 10th की जो है वो थर्ड ब्रांच है, ठीक है, और ओरिजिन वाइज मैंने इनका नंबरिंग कर दी है, सबसे पहले लिटरेलिस का ओरिजिन है इसलिए इसको लिखा 10th फर्स्ट, उसके बाद जो ब्रिंकियलिस की तीन ब्रांचेज है, आपकी बुक में 4 लिखा है क्योंकि वो स्कोलियोडोन की डायग्राम दी है, तो आपने तीन ही ड्रॉ करनी है, ये 3 ब्रांचेज ऑफ ब्रिंकियलिस ऑफ वेगस, ठीक है, जिसको लिखा है 10th सेकेंड ए। और जो थर्ड ब्रांच है यानी कि एक्चुअली सेकंड ब्रांच है, उसको लिखा है 10th टू बी, जो विसरल ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विसरेलिस ब्रांच ऑफ वेगस, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लिया बेटे आपने, ये ड्रॉ कर लिया आपने, ओके। एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन, तो एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है। देखो ये ब्रेन के बिल्कुल बेस से जो स्नाउट की तरफ रन कर रही है, यहां पे 2 ब्रांचेज है, जो ऊपर वाली ब्रांच है वो 5th की फर्स्ट ब्रांच है, जिसको हम बोलेंगे रेमस और थैलेमिका सुपरफिशियलिस, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाली ये सेकंड ब्रांच है जिसमें मैंने स्ट्राइएशन दिखाई है, वो 7th की ब्रांच है, ऑप्थैल्मिका सुपरफिशियलिस ऑफ फेशियल। फिर देखो उसके बाद जो 5th की फर्स्ट की सेकंड ब्रांच है, यानी कि फर्स्ट की भी आगे 2 ब्रांच है, 5th की जो फर्स्ट ब्रांच है उसकी भी 2 ब्रांच है, ए एंड बी,
तो जो बी ब्रांच है उसको बोला रेमस ऑप्थैल्मिकस प्रोफंडस ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, जो क्रेनियम को सप्लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाली आ गई, ठीक है, बकेलिस, यानी कि सेवंथ की सेकेंड ब्रांच। तो बकेलिस जो है वो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, लेटरेलिस की तरह ये भी लेटरल लाइन सेंस, जो बक्कल कैविटी वाला एरिया है वहाँ पे जो पोर्शन है उसको सप्लाई करने वाली है बकेलिस, ठीक है। उसके बाद आगे जो ये ब्रांचेज नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है, तो ये फिफ्थ की थर्ड ब्रांच और सेकंड ब्रांच, जो ऊपर वाली जो अपर जाको जा रही है वो मैक्सिलरी, फिफ्थ की सेकंड ब्रांच है, नाम है मैक्सिलरी, मिक्स टाइप की नर्व है सारी जो फिफ्थ और सेवंथ है, ठीक है। इसमें कुछ सेंसरी फाइबर है, कुछ है मोटर फाइबर है। उसके बाद जो लोअर जाके भी है वो है मैंडिबुलर ब्रांच, मैंडिबुलर ब्रांच जो लोअर जाके लिए। उसी तरह फिर सेवंथ की आ गई आगे ब्रांचेस, ठीक है। तो सेवंथ की जो फर्स्ट ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे मतलब लोअर पोर्शन में जा वाले पोर्शन में वो एक्चुअली सेवंथ की थर्ड ब्रांच है, और उसकी आगे दो ब्रांचेस ए एंड बी, ठीक है। जो ए है उसको बोलेंगे मैंडिबुलर, जो लोअर जा के लिए, और जो लोअर जा के अंदर इंटरनल साइड के लिए वो है मैंडिबुलरी, सेवंथ थर्ड बी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि ये छोटी ब्रांच, ये मैंने पहले बता दिया आपको कि जो पैथेटिक है वो आई मसल के लिए, और एक्चुअली यहाँ पे लिख सकते हैं सुपीरियर ओब्लीक मसल, सुपीरियर ओब्लीक मसल, सुपीरियर ओब्लीक मसल के लिए। फिर साथ में जो ऑप्टिक ब्रांच है, ठीक है, जो ऑप्टिक ब्रांच है वो किसको सप्लाई कर रही है, आई को, यानी कि आई से जो इम्पल्सिज है, ठीक है, उनको ब्रेन की तरफ लेके जाएगी, ये सेंसरी नर्व है, आई से इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ, तो विजन में रोल है इसका, ठीक है, ये वाला दिस वन। और उसके बाद जो पीछे नज़र आ रही है ये ओकुलोमोटर, ये भी आई मसल के लिए सप्लाई करती है। तो कौन कौन से मसल है वो मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लो, सुपीरियर रेक्टस, ठीक है, जो ये वाली ब्रांच है थर्ड ओकुलोमोटर जो नर्व है वो कौन कौन से आई मसल को सप्लाई करने वाली है, तीनों ही आई मसल को सप्लाई करती हैं, थर्ड भी, फोर्थ भी और सिक्स्थ भी, ठीक है। तो जो फोर्थ है वो मैंने बता दिया आपको, सुपीरियर ओब्लीक, और जो थर्ड है वो सप्लाई करती है सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, इंटरनल रेक्टस और इन्फीरियर ओब्लीक। लेकिन जो सिक्स्थ ब्रांच है, सॉरी सिक्स्थ जो नर्व है एब्ड्यूशन, सिक्स्थ नर्व एब्ड्यूशन वो एक्सटर्नल रेक्टस, सिक्स्थ नर्व एब्ड्यूशन जो कि मोटर नर्व है वो भी आई मसल को सप्लाई करती है। और कौन से आई मसल वो लिख लो आप, एक्सटर्नल रेक्टस, एक्सटर्नल रेक्टस के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ये ऑडिट्री आ गई, ऑडिट्री, ठीक है, एक सेवंथ की फोर्थ ब्रांच भी है ये वाली, इसको लिख लो, ये हायर्ड अपरेटस के लिए है, इसको लिख लो हायोमैंडिबुलरीज, हायोमैंडिबुलरीज, यहां लिख लो हायोमैंडिबुलरीज, हायोमैंडिबुलरीज, तो इसको लिख लो सेवंथ की फोर्थ ब्रांच है ये, ठीक है, सेवंथ की फोर्थ ब्रांच हायोमैंडिबुलरी जो हायर्ड अपरेटस के लिए है, ठीक है। उसके बाद देखो ऑडिट्री आ गई ईयर के लिए, इंटरनल ईयर के लिए, सेंसरी नेचर की है। उसके बाद नाइन्थ जो है वो ग्लोसोफ्रेंजियल जो फर्स्ट गिल के लिए और फ्रंट साइड के लिए प्री ट्रॉमेटिक और पोस्टीरियर पोर्शन के लिए पोस्ट ट्रॉमेटिक। उसके बाद लेटरेलिस का ओरिजिन हो रहा है, लेटरेलिस जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन के लिए, यानी कि टेंथ की ये ऊपर है, सॉरी लेटरेलिस टेंथ की फर्स्ट ब्रांच,
जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन को सप्लाई कर रही है। उसके बाद जो टेंथ की सेकंड ब्रांच है उसमें भी ए और बी में डिफरेंशिएशन की है, जो तीन ब्रांचेस गिल के लिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ गिल के लिए, वो कौन सी है, ब्रेंकियलिस ऑफ वेगस, उसको लिखा है टेंथ सेकंड ए। और उसके बाद जो इन तीन ब्रांचेस के बाद जो राइज कर रही है, देखो ये विसरल ऑर्गन के लिए जा रही है ये वाली, ठीक है, दिस वन, ठीक है, तो ये टेंथ की सेकंड की बी ब्रांच है, इसको नंबरिंग के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से लिखा है इसका नाम, ठीक है, विसरेलिस ब्रांच ऑफ वेगस टेंथ सेकंड बी, ठीक है। तो ये विसरल ऑर्गन के लिए लाइक एलिमेंट्री कैनाल और हार्ट, उनको सप्लाई करने वाली है, ठीक है। तो ये पता चल गया बेटे, जो आपकी बुक में वो डायग्राम दी है इस चैप्टर में, वो एक्चुअली स्कोलियोडोन की है, ये लेवियो की आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है। नाउ एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बेटे? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।